एक्सरसाइज 1.1 है क्लास 7 की मैथमेटिक्स की। इसके क्वेश्चन नंबर वन रिटर्न है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज ए पार्ट इसका सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। ठीक है, तो ये थ्री पार्ट्स में हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। सम इज -7, कोई भी दो इंटीजर्स के पेयर ऐड करने, पेयर का मतलब होता है दो चीज़ें होना, जैसे कि सूज में दो चीज़ें, दो जोड़ी है ना, मतलब सूज जो है दो ही होते हैं, सॉक्स हैं, तो इसी तरह से जो पेयर ऐड करना है हमें दो इंटीजर्स उसमें ऐड करने कम से कम। ठीक है, सम इज -7, उनको ऐड कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी टू इंटीजर्स ले सकते हैं जिनको हम ऐड करें तो -7 आए, तो ऐड कर सकते हैं। लेट अस हैव अ पेयर ऑफ इंटीजर्स मान लीजिए हमने -2 एंड -5 ले लिए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं। -2 -5 को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, -3 -4 को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा। कोई भी 2 ले लेंगे, -10 और +3 को ऐड करेंगे तो भी -7 ही आएगा। क्लियर, तो कोई भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे सो दैट -2 +-5 = -7। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक इंटीजर्स का पेयर हो गया। क्लियर, इसी तरह से ये जो बी पार्ट है ये सॉल्व करना है। डिफरेंस इज -10, सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आए, -10 आए। तो इसमें भी कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आ जाए। ठीक है, जैसे कि -20, नहीं ये तो ज़्यादा जाएगा, 10 -20 तो ये कितना जाए, प्लस का 30 हो जाएगा, ये नहीं होगा है ना। अगर हम करें यही ले लें 10 -20 तो कितना आ जाएगा, -10। तो ऐसे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट करें जिनको, तो कितना आ जाए, -10। -2 और -8 ले लें, +8 है ना, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी -10 आएगा। तो कोई से भी हम टू इंटीजर से यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे राइट करेंगे लेट अस हैव पेयर ऑफ इंटीजर्स मान लीजिए हमने -2 और +8 ले लिया। ठीक है, इनका डिफरेंस करें, देन -2 डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, -+8 है ना, ऐसे करके -8, तो -2 ये भी -8 बन गया क्योंकि प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, ऐसे करके ऐड कर सकते हैं -2 -8 इजिकल टू कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, तो आपका ये इंटीजर जो है वो आंसर हो गया। इसका जो सी पार्ट है सम इज -0, जिनका सम -0, तो सम -0 कब होता है, जीरो सम कितना हो जब उनको ऐड करें तो 0 है, तो एडिटिव इन्वर्स लिख लें, कोई भी इंटीजर है उसका एडिटिव इन्वर्स ले लेंगे, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस हैव पेयर ऑफ इंटीजर्स मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 ले लिया। ठीक है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -8 एंड -8, इनका क्या करें, सम करें, देन 8 + -8 इजिकल टू क्या हो जाता है, 0, 8 - 8 हो जाता है 0, तो ये आपका पेयर हो गया। तो ऐसे कोई भी पेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो सकता है आंसर शीट में अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेयर ऐड किए जा सकते हैं। फिलहाल कंसेप्ट को समझें, आप समझने की कोशिश करें। टू नंबर देखें इसका, क्वेश्चन नंबर टू में के भी पार्ट हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन को बुक में देख लें आप, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स इट, एक नेगेटिव इंटीजर, दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे जिनका डिफरेंस 8 आए,
एट आए। तो इसमें भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेट अस हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स ऐसे नेगेटिव इंटीजर लेंगे जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है प्लस का एट आए। मान लीजिए हमने माइनस का टू ले लिया और माइनस का टेन ले लिया, इनको हम क्या करें इनका डिफरेंस करें, ठीक है। तब ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस का टेन हो जाएगा, ये कितना आएगा एट। ये ले सकते हैं या कोई अपनी चॉइस के ले सकते हैं, दूसरे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे माइनस टू एंड माइनस एट, ये ले लिए हमने। देन डिफरेंस करना है माइनस टू माइनस माइनस एट ऐसे करके, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस टू और माइनस माइनस प्लस एट, देन नहीं टेन लीजिए, यहाँ पे रॉन्ग हो गया क्योंकि एट लेंगे तो फिर जो है सिक्स ही आएगा, तो यहाँ पे हमें टेन लेना है। यहाँ पे भी टेन ऐड कर लेंगे तो ये प्लस का एट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पेयर टू नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। इसका बी पार्ट का क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज माइनस फाइव। एक नेगेटिव इंटीजर्स राइट करना है और एक पॉजिटिव इंटीजर राइट करना है जिनको हम ऐड करें तो माइनस का फाइव है, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो लेट अस हैव नेगेटिव इंटीजर एज इनका सम माइनस फाइव आए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मान लीजिए आपने जो है माइनस का सेवन ले लिया, माइनस का टेन ले लिया नेगेटिव वाला, ठीक है, और पॉजिटिव ले लीजिए एक, प्लस का फाइव ले लें भाई, माइनस का टेन ले लें और एक क्या ले लें फाइव, इनका जब सम करेंगे तो माइनस फाइव आएगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर, कोई दूसरे इंटीजर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। देन तब हमें क्या करना है, इनका सम माइनस फाइव है या नहीं चेक कर लेंगे। तो माइनस टेन प्लस फाइव, जब इनको हमने ऐड किया तो ये देखिए ये ज़्यादा है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा फाइव, ठीक है। तो ये इंटीजर आपका एक टेन हुआ और एक प्लस का फाइव हुआ, नेगेटिव वाला माइनस टेन हुआ और पॉजिटिव इंटीजर फाइव हुआ। सी है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस थ्री। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर राइट करना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनको हम डिफरेंस करें यानी सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस थ्री आए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक माइनस वन लिया और एक लिया प्लस का टू, ठीक है, इनका डिफरेंस किया तो माइनस टू और माइनस वन और माइनस टू जाता है माइनस का थ्री, तो यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस वन ले लेते हैं और पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं टू, ठीक है। देन जब हम इनका डिफरेंस करें यानी माइनस वन माइनस टू पॉजिटिव है ना, तो माइनस वन माइनस टू कितना हो जाता है माइनस का थ्री, तो आपका वन इंटीजर माइनस वन है और वन इंटीजर पॉजिटिव टू है। क्वेश्चन नंबर थ्री इसका है, रीड करें बुक में। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड माइनस फोर्टी टेन जीरो एंड टीम बी स्कोर टेन जीरो माइनस टेन सॉरी माइनस फोर्टी इन दीज सक्सेसिव राउंड्स, थ्री सक्सेसिव राउंड, विच टीम स्कोर मोर, कैन यू से दैट वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो इसमें दो टीम हैं जो स्कोर करती हैं थ्री राउंड्स में, ठीक है। तो पहले राइट कर लेंगे टीम ए स्कोर्ड, टीम ए स्कोर्ड, टीम ए का जो स्कोर है माइनस फोर्टी टेन कॉमा जीरो, पहले राउंड में ने 40 मिले, फिर दूसरे राउंड में 10 और थर्ड राउंड में जीरो, ठीक है। इनका हमें ये निकालना है कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर करती, तो ऐड करना पड़ेगा इनका, है ना। तो टोटल हो जाएगा इनका माइनस फोर्टी प्लस टेन और प्लस जीरो,
जीरो टेन अगर हमने ऐड किया तो माइनस फोर्टी और टेन हो जाता है माइनस का थर्टी, माइनस का थर्टी और जीरो हो जाता है माइनस थर्टी। ठीक है, चाहे हम पहले इनको ऐड कर लें, चाहे पहले इनको ऐड कर लें उसके बाद में इसको ऐड कर लें, ये तो आप पता ही है जो है ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब जो है टीम बी स्कोर ऐड करें, टीम बी का क्या स्कोर हुआ है, टीम बी स्कोर, टीम बी का स्कोर है टेन जीरो माइनस फोर्टी, टेन कॉमा जीरो कॉमा माइनस फोर्टी। अब हम इनका टोटल करेंगे, टेन प्लस जीरो प्लस माइनस फोर्टी। ठीक है, टेन जीरो टेन हो गया और प्लस माइनस फोर्टी, तो माइनस फोर्टी और टेन कितना हो जाता है माइनस का थर्टी। दोनों टीम का जो है स्कोर क्या आया, सेम। सो दैट बोथ टीम टीम्स ए एंड बी स्कोर्ड सेम। एक आंसर है, आप ये कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर हुआ, तो कोई सी टीम पे ज़्यादा नहीं हुआ, दोनों की दोनों टीम का स्कोर जो है वो सेम हुआ। अब इसमें ये भी पूछा जा रहा है, कैन बी से दैट बी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन इंटीजर को किसी ऑर्डर में ऐड कर लें, तो किसी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यस। तो क्या ऐड करेंगे, यस एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, चाहे हम इनको पहले ऐड कर लें चाहे इनको पहले ऐड कर लें, ठीक है, या जीरो पहले लिख लें या बाद में लिख लें, टेन बीच में लिख लें या फिर बाद में ऐड कर लें, कोई सा पहले और बाद में ऐड किया जा सकता है। तो हम ये ऐड करेंगे, यस वी कैन ऐड दीज इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्वेश्चन फोर और लास्ट वन है इस एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, जो भी स्टेटमेंट है इनको ट्रू करने के लिए फिल करना है हमें। ठीक है, इधर माइनस फाइव प्लस माइनस एट इज इक्वल टू माइनस एट प्लस कितना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसी सेटिव लॉ से अगर हम यहाँ से एक गायब कर दें तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ए आना चाहिए, यानी कि इधर उधर हम कर सकते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, तो इधर माइनस एट ये वाला यहाँ गया, ये माइनस फाइव नहीं आया, इसमें माइनस फाइव ऐड कर लेंगे भाई, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस फिफ्टी थ्री प्लस कितना की माइनस फिफ्टी थ्री, तो कोई अपने एक जो है एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, यानी किसी इंटीजर में जीरो को ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है ना, वही नंबर आ गया, तो जीरो ऐड करेंगे तभी तो सेम आएगा, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे जीरो और प्रॉपर्टी नाम ऐड कर देंगे एडिटिव एडिटेटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी। सेवन प्लस कितना की जीरो, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एडिटिव जो इनवर्ज होता है वो किसी इंटीजर में ऐड करने पर हमें जीरो आता है। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्ज क्या होगा, माइनस सेवनटीन, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम रख देंगे एडिटिव इनवर्ज। ये देखिए 13 माइनस ट्वेल्व प्लस कितना, 13 प्लस माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस सेवन, ये नहीं आया है ना, ये एसोसिएटिव लॉ में हमने पढ़ा है कि कोई भी जो है इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें यहाँ पे मिला है इनका ग्रुप पहले है और इनका ग्रुप बाद में है। ठीक है, तो इधर कौन सा नहीं आया है, सी दिया ही नहीं है, तो ये वाला सी की जगह पे है माइनस सेवन, ये यहाँ पे राइट कर लेंगे, इसमें माइनस सेवन फिल कर लेंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट कर देंगे, एसोसिएटिव
लॉ। क्लियर। इसमें भी एसोसिएटिव लॉ है, इसमें थ्री थ्री का ग्रुप बना हुआ है ना, टू टू का ग्रुप बना, थ्री इंटीजर्स हैं, तो इधर देखिए थ्री हैं, इधर जो नहीं आया वो ऐड कर देंगे, माइनस फोर ये आ गया, प्लस का 15 आ गया, माइनस थ्री नहीं आया, इसको ऐड कर लेंगे, माइनस का थ्री यहाँ आ जाएगा और इसमें भी एसोसिएटिव लॉ ऐड कर देंगे। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, थैंक यू सो मच।